बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों ने टीआईटी कॉम्प्लेक्स परिसर में धरना प्रदर्शन किया। यहां पूर्व मंत्री और कसरावद विधायक सचिन यादव ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए भाजपा सरकार की जिन विरोधी नीतियों के चलते देश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और किसान अल्प वर्षा और अमानक खाद बीज के चलते कर्ज में डूबते जा रहे हैं। कोरोना के चलते जहां आम आदमी की आर्थिक स्थिति खराब है, वहीं सरकार महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। सरकार के खिलाफ जन आक्रोश बढ़ रहा है। रसोई में जहां बजट बिगड़ा हुआ है, वहीं बेतहाशा बिजली बिलों ने कमर तोड़ दी है। धरने को डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो, विधायक रवि जोशी, केदार डावर ने भी संबोधित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। और कर्ज माफी को लेकर आंदोलन की ओर आगे बढ़ेंगे। महंगाई की बात हुई, महंगाई तो चरम पे है और बात करेंगे महंगाई में पेट्रोल डीजल गैस टंकी खाद्य सामग्री के भाव आसमान छू रहे। विमल भाई बहुत दिन से डीजल नहीं डलाया, डीजल 90 नहीं 100 के पार हो गया। सोयाबीन और जो मीठा तेल तुमने बोल दिया 100-150 नहीं, ये तो 200 टच कर रहा है। ठीक है, ये सब जनता जानती है। हमको जनता को जगाना है। समय आ गया है कि जब जनता त्राही त्राही करे, उसको खाने को अनाज नहीं, दो हाथ को काम नहीं, बिजली के बिल भरने को पैसे नहीं, गैस की टंकी उज्ज्वला योजना बांट रहे थे। उस दिन मैंने परसों भी प्रोग्राम में बोला चुनौती पूर्वक कि बाबूलाल जोलपाल कृष्ण जी तुम में दम है तो महंगाई कम करो। 929 रुपए की टंकी लेने की गरीब लोगों की हैसियत नहीं है मोदी जी। और मैंने कहा लड़ाई तुम पत्र लिखो, और तुमसे नहीं हो तो हम चले, और हमसे और तुमसे दोनों से नहीं होगा तो जनता लड़ेगी। ये लड़ाई वक्त आ गया है, जनता लड़ेगी, किसान लड़ेगा, बेरोजगार लड़ेगी, महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था के लिए महिलाएं लड़ेगी, और इन सब के साथ कांग्रेस पार्टी तैयार है। बहुत जल्दी हम कर्ज माफी और सूखा क्षेत्र घोषित हो, इसके लिए खरगोन के अंदर एक भविष्य में प्रदर्शन। हमारे सम्मानित विधायक साथियों ने बार बार प्रशासन को जो किसानों की जो समस्या है उस किसानों की समस्या को लेकर आगाह किया, पत्रचार किया, ज्ञापन के माध्यम से भी सरकार और प्रशासन को जगाने का काम किया, लेकिन आज दिनांक तक जो किसानों की जो परेशानी है, जो समस्या है, उसका किसी प्रकार का निराकरण नहीं हो पाया। कई जिलों, कई जैसे कि आदरणीय हमारी दीदी ने कहा, कई जगह पर बारिश नहीं होने के कारण समस्या है। 3-3 बार बोनी हुई है। हमारी खरगोन विधानसभा की बात करें, हमारे जो 52 गांव जो पाटीदार बेल्ट के हमारे जो गांव है, वहाँ पर लोगों ने 4-4 बार बोनी कर दी। कई हमारे ऐसे गाँव हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर समय पर वर्षा नहीं होने के कारण जो पौधे की फसल की ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं होनी हो पाई है। अब जब पानी आ रहा है तो हमारे किसानों की, चाहे वो कपास की फसल हो, चाहे मिर्च की फसल हो, सोयाबीन की फसल तो लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। छोटी और जो फसलें हैं, वो छोटी फसलें भी जो हैं पूर्ण रूप से खराब हो चुकी है। लेकिन आज दिनांक तक सरकार ने हमारे किसान साथियों के प्रशासन अमला जो है किसानों के खेत पर पहुँच करके सर्वे शुरू करने का काम हुआ है, तो ये दर्शाता है कि आने वाले समय में भी जो सरकार है वो किसानों को किसी प्रकार का उनकी जो समस्या है उन समस्या का निराकरण करने का काम किया। क्या क्या धरने के माध्यम से क्या सरकार से अपील करना चाहते हैं? देखिए, हम तो सरकार, सभी साथी हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि नींद से जागी है, आंखें बंद करके सोने का आपने काम बहुत कर लिया है। आज किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, नौजवान हो, छोटे व्यापारी हो, हर आदमी परेशान है। पेट्रोल डीजल की बात करें, रसोई गैस की बात कर लें, खाद्यान्न तेल की हम लोग बात कर लें, सभी चीज़ों के भाव जो है आसमान पहुंच चुके हैं। किसी प्रकार की राहत जो है आज दिनांक तक जो है सरकार के माध्यम से नहीं पहुँचाई गई है। तो हम सब साथी आज यहीं पर यहाँ एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को यही कहना चाहते हैं कि अब तो नींद से जागो और अब तो कम से कम सरकार जो है आम जनता को, गरीबों को राहत देने का काम है। सभी नीतियाँ हैं, कौन सा वर्ग है जो परेशान है, खास करके इस प्रदेश के अंदर महंगाई चरम सीमा पर फैल रही है। जो डीजल और पेट्रोल के भाव है, जिसके कारण हर वस्तु आज महंगी हो गई है। जो गृहिणी है उसका किचन, उसकी गैस की टंकी कितनी महंगी हो गई है। इसके साथ ही इस जिले के अंदर किसान आज बहुत त्रस्त है। कुछ क्षेत्रों में बहुत सूखा पड़ा है, कुछ क्षेत्रों में आप देख रहे हो कि बारिश हुआ है। इन सब को देखते हुए आज किसान की हालत इतनी दयनीय हो गई है, मजदूर की हालत इतनी दयनीय हो गई है, महंगाई चरम सीमा पर फैल रही है। इन सब को देखते हुए
इशू जो आप पूछ रहे हैं इसकी कोई कमी नहीं है, कौन सा वर्ग आज परेशान नहीं है, सारे वर्गों का सामूहिक रूप से हम लोगों ने आज सब एकत्रित हुए हैं और आज यहाँ पर इस गुंगी बैरी सरकार को जो सो कॉल्ड हमारा शिवराज मामा है, जो स्वयंभू मामा बना हुआ है, उसको जगाने के लिए, उठाने के लिए शासन और प्रशासन को की नींद से उठो, धरातल पे आओ, लोगों की समस्याओं देखो सुनो, इसके लिए हम लोग आ रहे हैं। 27 तारीख को सीएम झेलने आ रहे हैं, कई करोड़ों रुपए की लागत के योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। सबसे बड़ा उदाहरण महेश्वर विधानसभा है। 2012-13 में जब उपचुनाव हुआ था, आप ही यहाँ के पत्रकार लोग हो, शिवराज मामा कितनी घोषणाएं करके गया, एक भी घोषणा मुझको बता दो कि वो पूरी हुई है। तो ये जुमलेबाजों की सरकार है, सिर्फ घोषणाओं में विश्वास रखते हैं, धरातल से इनका कोई विश्वास नहीं है। चुनाव है, उपचुनाव है, क्योंकि मतदाता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस को जिताना है, इसलिए जुमलेबाजी करने जुमलेबाज आ रहा है जिन्ना के अंदर, और सिर्फ जुमलेबाजी करके जाएगा, धरातल पर कुछ नहीं। क्या ये मान लेगी खरगोन जिले की कांग्रेस अब एक ही मंच से आएगी? बिल्कुल, आप देख रहे हो कि खरगोन जिले की कांग्रेस एक मंच पे खड़ी है। क्यों भाई? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।